हे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी बच्चे फिट और फाइन होंगे। बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.5 का जो 6 नंबर का क्वेश्चन है ना, इसे सॉल्व करना सीखेंगे। देखो, यहाँ पर क्या बोला जा रहा कि सुनीता ट्रैवल 15 किलोमीटर 268 मीटर बाय बस। सुनीता ने इतना किलोमीटर क्या किया, इतना डिस्टेंस जो है बस से कवर किया। उसके बाद 7 मीटर बाय कार, इतना की जो डिस्टेंस है वो उन्होंने कार से कवर किया, ट्रेवल किया। और फिर 500 मीटर ऑन फुट, यानी कि 500 मीटर उन्होंने पैदल कवर किया, फुट से यानी पैदल चल करके। तो इन ऑर्डर टू रीच हर स्कूल, यानी अपने स्कूल जाने के लिए उन्होंने इतना इतना ट्रेवल किया है। मान लो उनका घर है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर है उनका स्कूल, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पहले वो बस से आई इतना लंबा, फिर उसके बाद इतना थोड़ा सा दूर तक वो कार से आई, और फिर थोड़ा दूर तक वो क्या चली है, पैदल चली है, ठीक है। तो हमसे क्या बोला जा रहा कि हाउ फार इज हर स्कूल फ्रॉम हर रेसिडेंस, यानी कि उसके घर से उसका जो स्कूल है वो कितना दूरी पर है। तो उसको जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी उन्होंने बस से तय की है, फिर जो कार से तय की है, और जो पैदल उन्होंने तय किया है, इन तीनों डिस्टेंस को अगर हम जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि उसके घर से उसके स्कूल के बीच की दूरी कितनी है। यानी कि यहाँ पर हमको ऐड ही करना है, बस थोड़ा सा घुमा करके दिया गया क्वेश्चन। तो कान आप दाएं तरफ से पकड़ो या बाएं तरफ से पकड़ो, पकड़ाएगा तो आपका कान ही, तो भले घुमा करके दिया है, लेकिन हमको क्या करना है, ऐड करना है। और दूसरा चीज क्या ध्यान देना है कि ये कुछ हमको मीटर में और किलोमीटर में दिया है, मीटर और किलोमीटर में दिया, और ये मीटर में दिया है। तो हम सभी को क्या करेंगे, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको भी क्वेश्चन नंबर 5 सिखाया था ना सॉल्व करना, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही था, मीटर किलोमीटर था, तो मैंने आपको किलोमीटर में सॉल्व करना सिखाया था। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी हम कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको और डिटेल में सीखना है कन्वर्ट करना, तो एक्सरसाइज 8.4 के आप वीडियोज देख सकते हो, उसमें आप और ऐसे सीख जाओगे। तो जो मैंने प्रीवियस वीडियोज बनाए हैं या जो मैं आगे की वीडियोज बनाऊंगा, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप सारे वीडियोज देख सकते हो, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। भाई स्टार्ट करते हैं, और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसे सॉल्व करना सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, उसका जो बस का ट्रैवल उन्होंने कितना किया, हमसे क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि सुनीता ट्रैवल 15 किलोमीटर 260 मीटर बाय बस। तो आप इस तरीके से बना लो स्टेटमेंट कि सुनीता ट्रैवल बाय बस इक्वल टू 15 किलोमीटर 268 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इसको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम जानते हैं क्या है कि जो हमारा 1 किलोमीटर होता है उसमें टोटल 1000 मीटर्स होते हैं। तो हमको ये जो मीटर उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो इस साइड आप कन्वर्ट कर लो, 15 की जगह में 15 ही लिख दो, क्योंकि वो तो पहले से किलोमीटर में है, प्लस करके इसको सॉल्व कर दो। तो 268 जो मीटर है उसको किलोमीटर में बदलने के लिए हम 1000 से डिवाइड दे देंगे। अब इसका रूल क्या है कि आप 15 को 15 उतार दो, सिंपल सा ट्रिक है, उसके बाद प्लस की साइन लगाओ। ये जो न्यूमरेटर में 268 है ना, इसको भी उतार लो। अब नीचे देखो टोटल कितने जीरो है, तो नीचे टोटल 30 है, तो राइट साइड से 3 डिजिट के बाद क्या लगेगा, डेसिमल लग जाएगा। तो ये 1, 2 और 3 डिजिट हुआ, इसके बाद लगा दो डेसिमल, समझ आया मेरी बात। और डेसिमल की इधर कुछ नहीं है, उधर 0 लिख दो। अब दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये भी ध्यान रखना है कि 15 और 0 ऐड होगा, क्योंकि 15 हमारा होल नंबर है, यहाँ पर 0 हमारा होल नंबर है, और फिर उसके बाद डेसिमल वाले नंबर है, और 15 के बाद कुछ नहीं है। तो डेसिमल के बाद यहाँ पर 2-3 0 आप बढ़ा सकते हो अपने माइंड पे, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाया था 8.5 का, सेम उसी तरीके से। तो ये हमारा 15 और 0 ऐड हो जाएगा, तो 15 ही आएगा, और पॉइंट में 268 उतर जाएगा, और ये क्या में आ गया, हमारा किलोमीटर में आंसर आ गया। आंसर मतलब कि उन्होंने बस से जो ट्रैवल किया वो निकल गया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसका जो कार वाला है ना डिस्टेंस, उसको निकाल देंगे। तो सिंपल आप यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट मत लिख लो, बस सिंपल लिख दो बाई कार, यानी कार से उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो उन्होंने 7 किलोमीटर और 7 मीटर किया था ना, तो ये हो जाएगा 7 किलोमीटर और 7 मीटर। इसको भी कन्वर्ट कर दो यहीं पर, 7 प्लस में ये जो मीटर है ये किलोमीटर में कन्वर्ट होने के लिए 7/1000 बन जाएगा। तो अब फिर से यहाँ पर हमारे पास 7 है, प्लस की साइन लगाओ, न्यूमरेटर में भी 7 है, लेकिन डिनोमिनेटर में है 30। हम जानते हैं क्या है, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, लेकिन हमारे पास तो केवल 1 ही डिजिट है। तो हम 1 0 बढ़ाए, 2 डिजिट बन गया, 1 0 और बढ़ा दिए, तो ये टोटल अब 3 डिजिट बढ़ गया। अब यहाँ पर आप क्या करो, डेसिमल लगा दो, समझ आया मेरी बात। अगर नीचे 3 डिजिट रहेगा, यानी 3 0 रहेगा, तो आपको 3 डिजिट के बाद ही डेसिमल लगाना है। अगर डिजिट्स नहीं है आपके पास तो 0 बढ़ा करके आप डिजिट बना लो, ठीक है, और लेफ्ट में 0 बढ़ाना है, राइट में नहीं, ठीक। तो ये हमारा 007 हो गया, जेम्स बॉन्ड वाला नंबर, और डेसिमल की इधर कुछ नहीं है, तो 1 0 लिख दिया जाता है। तो यहाँ से इसका जो आंसर निकल गया, मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ ना, ताकि आपको अच्छे से दिखे, और जो जो आप कन्वर्ट करके निकाल रहे हो ना, उसको इस तरीके से बक्से में बंद कर दो, ताकि जो भी चेक करे उसको अच्छा लगे थोड़ा सा, कि हाँ बच्चे ने यहाँ पर ये सॉल्व किया, यहाँ पर ये सॉल्व किया, डायरेक्ट पता चल जाए, बार बार इधर उधर आँख ना घुमाना पड़े। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 7 और 0 ऐड हुआ तो 7 आ जाएगा, पॉइंट में 007 उतर जाएगा। ये निकल गया हमारा किलोमीटर उनके कार वाला डिस्टेंस। अब उन्होंने पैदल कितना चला था, तो 500 मीटर चला था, तो बाई फुट, ठीक है, यानी पैदल पैर से उन्होंने कितना चला, तो 500 मीटर। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको 500 को 1000 से डिवाइड दे देंगे, तो हमारा ये भी क्या होगा, किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 0 से हमारा 2 0 कैंसिल,
यहाँ पर हमारे पास 5 बचा है, 5 को उतार लो, नीचे एक जीरो है तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल लगा देंगे, और डेसिमल की इधर कुछ नहीं है तो 0 लिख दो, यानी कि 0.5 किलोमीटर जो है वो क्या किए, पैदल चली है, यानी कि आधा किलोमीटर उन्होंने पैदल भी डिस्टेंस किया, कवर किया है। तो यहाँ पर देखो टोटल डिस्टेंस आप लिख दोगे तो भी चलेगा, अदरवाइज अगर आपको और अच्छा स्टेटमेंट लिखना है तो क्या करो, यहाँ क्वेश्चन उतारो कि हाउ फार इज हर स्कूल फ्रॉम हर रेसिडेंस, तो यहाँ पर आप लिखोगे हर स्कूल फ्रॉम हर रेसिडेंस, या फिर डिस्टेंस बिटवीन हर स्कूल एंड हर रेसिडेंस, इस तरीके से स्टेटमेंट बना करके लिखोगे क्वेश्चन से उतार करके तो बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग टोटल, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा फालतू में, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल निकालना है हमको, मैंने आपको बता ही दिया कि जो भी है उन दोनों के घर के बीच की दूरी निकालने के लिए, इन घर से स्कूल के बीच की दूरी निकालने के लिए हमको ऐड करना पड़ेगा, तो तीनों को ऐड कर दो। ऐड करने का तरीका क्या है, 15.268 लिख दो, उसके बाद 7 पॉइंट, तो देखो यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना, 7 लेफ्ट में है तो इधर 7 लिख दो और इस साइड 007 कर दो। सेम उसी तरीके से यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट, उसके लेफ्ट में 0 है तो इधर 0 लिखो, इधर 5 है तो इधर 5 लिखो, और 5 के आगे कोई भी नहीं है तो 0 आप बढ़ा सकते हो, उससे उसके वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता, सभी को ऐड कर दो। तो 8 और 7 हमारा 15 का 5 हो गया, कैरी हो गया 1, ये आ जाएगा 7, ये भी आ गया 7, डेसिमल की जगह पर डेसिमल लिख दो, ये 12 का 2, कैरी हो गया 1, और फिर 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी कि 22 किलोमीटर एंड 775 मीटर, यानी कि 775 मीटर जो है ना उनके घर से लेकर के स्कूल के बीच की दूरी है। बाकी इसको आप पूरा हमने चूंकि किलोमीटर में निकाला है, किलोमीटर में सबको कन्वर्ट कर दिया है, तो इसको आप डायरेक्ट किलोमीटर में लिखोगे कि 22.775 किलोमीटर जो है उनके घर और स्कूल के बीच की डिस्टेंस है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 7, उसे भी मैं आपको एकदम सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।